सदस्य फेरी ओडिया डाक्तरी छात्र छात्री जगत सिंहपुर देश दीपक एवं कटक वृद्धि जेन नुआ दिल्ली में पहुंचा पर भेटी आम न्यूज 18 प्रतिनिधि दीपक एवं वृद्धि युक्रेन में अनुभूति कहते युद्धग्रस्त युक्रेन मुकुलवाई बहु कष्ट स्वीकार करने को पड़ी युक्रेन सीमार पहुंचा दीर्घ समय लगी बहु कष्ट स्वीकार करने को पड़ा खावा पीवा कि ना भारत सरकार जो स्वदेश फेरिले सत कि साथी मैंने युक्रेन में फसी रही सुरक्षित भाव उद्धार करने को दुई जन अनुरोध कर आज हमारे साथ दो बच्चे हैं जो कि यूक्रेन से वापस लौटे हैं। उनसे हम जानेंगे कि यूक्रेन में किस तरीके की स्थिति है और उनकी आप बीती क्या है। वृद्धि जैन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और देश विकास जो कि यूक्रेन से आए हैं स्टडीज़ के लिए। 3 साल पहले वो यूक्रेन गए थे लेकिन अब जिस तरीके के हालात हैं उसके बाद वो भारत पहुंच चुके हैं। दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं, उड़ीसा निवास में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वृद्धि जैन। वृद्धि, आप ये बताइए कि आप कब आए हो वहाँ से, यूक्रेन से? हम वैसे निकले तो बहुत पहले ही थे, 26 की रात को निकल गए थे बॉर्डर के लिए ताकि हम बॉर्डर पे पहुँच जाए और वहाँ जल्दी से जल्द निकल सकें। बट बॉर्डर पे सिचुएशन इतनी आसानी से तो था नहीं कि निकल सके, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी 400 बच्चे प्रेजेंट थे एज सच वहाँ पे, एंड अदर सिटीजन्स भी थे वहाँ, यूक्रेनियन और नाइजीरियन। सो कोशिश किया हमने, 27 तारीख को निकले एंड कल रात को हम पहुँचे हैं। हम रोमानिया बॉर्डर पे ही थे जहाँ पे मतलब वहाँ के गवर्नमेंट ने हमारी केयर की थी सारी। तो काफ़ी ज़्यादा जो परेशानियाँ हुई जब आप वहाँ पर फंसे हुए थे तो मन में क्या एक फीलिंग चल रही थी, पेरेंट्स से क्या बात हो पा रही थी, घर वालों से किसी तरीके का संपर्क हो पा रहा था? बॉर्डर पे नेटवर्क नहीं आ रहा था क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे उतना कनेक्शन नहीं होता। हम जैसे तैसे करके किसी के पास अगर आ रहा है तो उसी को बोल दे रहे थे कि प्लीज़ कॉल कर दो, या फिर हम अपने किसी फैमिली मेम्बर्स को कांटेक्ट कर रहे थे कि अगर आपको लग रहा है तो प्लीज़ पेरेंट्स को बोल दो कि हाँ हम सेफ़ हैं, चिंता मत करें। पर कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही पैनिक हो रहे थे और ऑब्वियसली बात है कि कौन नहीं होगा। प्लीज़ को रोक पाना तो आसान नहीं होता, स्थिति से लड़कर आप भारत पहुँच चुकी है। वृद्धि, मैं देख रही हूँ आपके पैर में भी चोट लगी, ये कैसे लगी, क्या ये भी उसी दौरान चोट लगा आपको? ये मैं ऐसे सच तो बोल नहीं सकती उसी दौरान लगा, बट हम लाइक उस मोमेंट पे एकोमोडेशन रूम पे थे एंड उसमें हम लोगों को मतलब प्रॉपर जल्दी जल्दी में कि बस आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, तो उसमें हम लोगों को बोला गया कि जल्दी जल्दी करो। तो उस मोमेंट पे लाइक ये बोल सकते हो मेरी लापरवाही या कुछ भी कि हम जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं गिर गई थी। आप बताइए कि आप भी कल यहाँ पर पहुँचे हैं, जैसे कि वृद्धि ने बताया कि सिचुएशन अभी भी उनके जहन में है, वो निकल नहीं पा रही, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली खरकिब में मेरे दोस्त थे जहाँ पे खरकिब में कर्नाटक के स्टूडेंट डेथ हो चुका है। एक्चुअली मैं मेरा इंडियन ओडिशा के दोस्त की फ्रेंड है और उसके सामने उसका डेथ हुआ है। सो जितने भी दोस्त वगैरह हैं ये डेथ को देख के वो सब कुछ अभी डर चुके हैं, उनको पता नहीं कब उनका भी डेथ हो सकता है और गवर्नमेंट वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। गवर्नमेंट ओनली बॉर्डर के बाद बच्चों को रेस्क्यू कर रहे हैं। बिल्कुल, इंडियन गवर्नमेंट ने तो जिस तरीके से मदद के लिए एविकुएट करने के लिए जो चीज़ें थी वो शुरू कर दी हैं, यहाँ से बहुत सारे लोग भी गए हैं, मंत्री भी गए हैं। आप लोग किस तरीके से पहुँचे और इंडिया किस तरीके से पहुँचे, कैसे मदद मिली आप लोगों को और क्या सिचुएशंस आप लोगों को वहाँ पर झेलनी पड़ी? एक्चुअली हमें बॉर्डर को आने से पहले हम बहुत ट्राई किए थे बट हमको बॉस या कोई भी चीज़ नहीं मिल रहा था बॉर्डर आने के लिए। बट आफ्टर 1 to 8 days हमको बॉस मिल गया और बॉस से आने के बाद हमको 7 to 8 kilometers पैदल आना पड़ा। उसके बाद 36 hours माइनस टेम्परेचर में और उनके मिलिट्री का रूड बिहेवियर एंड नॉनसेंस बिहेवियर को फेस करके बॉर्डर पास कर लिए बहुत खराब सिचुएशन में। उसके बाद फिर 1 to 2 days हम शेल्टर में काटे, फिर उसके बाद हमको मिला फ्लाइट और हम आए। तो यूक्रेन से भारत तो पहुंच चुके हैं, जैसा कि वृद्धि और देश दीपक का कहना है कि यहां पहुंचने के बाद वो खुद को तो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं लेकिन जो दोस्त उनके अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनके लिए लगातार उनकी चिंता जारी है और सरकार को उनको बचाने के लिए भी कदम उठाने होंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।